किसान वर्कर हैं, लेकिन दुनिया में आकर इंसानों जैसा एक भी काम नहीं कर रहे। जो काम इंसान को करना चाहिए उस काम के प्रति उनकी ना तो श्रद्धा है और ना ही उसके उसकी जानकारी है, क्योंकि हमने अपने सोच को प्रभावित नहीं किया उन सिचुएशंस के माध्यम से जिन सिचुएशंस में हमारे महापुरुषों ने हमें डाला, और फिर भी हम उन सवालों की जानकारी देने लग जाते हैं जो हमारे से पूछे ही नहीं जाते, और उन सवालों के सही जवाब भी हमारे पास नहीं आते। वो तो अपना जीवन का कार्य पूरा कर इस दुनिया से सुरखुरु होकर गए। हमें तो रोन उन लोगों के प्रति है जो दुनिया में आए तो इंसान वर्कर है, लेकिन दुनिया में आकर इंसानों जैसा एक भी काम नहीं कर रहे। जो काम इंसान को करना चाहिए उस काम के प्रति उनकी ना तो श्रद्धा है और ना ही उसके उसकी जानकारी है। इसलिए आप इधर आए हैं इकट्ठे होकर अपनी ओर से अपने महापुरुषों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए, और उसके साथ ही अपनी जिम्मेदारी को समझने के लिए, और जिम्मेदारी को समझ कर निभाने के लिए ये इधर इकट्ठे हुए हैं। जब हमारे जीवन की जानकारियां जो है वो हमें एक से बाद दूसरी के बाद तीसरी के बाद और अनेका हमारी जिम्मेदारियां हैं, जब उन जिम्मेदारियों की स्पष्टता हो जाती है तो तभी हमें हमारे इस दुनिया में आने की जो डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग होती है, अपने जीवन की समस्ता का बोध होता है। जब हम अपने सामने रखी गई किताब को खोलेंगे, फिर एक के बाद एक दूसरे शब्द को देखेंगे, फिर उन शब्दों को एक के बाद दूसरे वाक्य में जोड़ेंगे, और तब तब सिलसिलेवार एक के बाद दूसरे को जोड़ते जाएंगे और उसको दोहराते भी जाएंगे, तब हर छोटी से छोटी वस्तु जो है उसकी जानकारी लेकर हमारी सोच प्रभावित होगी। इसलिए आज जो बेसिक नुक्स है वो हमारी सोच में है, क्योंकि हमने अपने सोच को प्रभावित नहीं किया उन सिचुएशंस के माध्यम से जिन सिचुएशंस में हमारे महापुरुषों ने हमें डाला, और फिर भी हम उन सवालों की जानकारी देने लग जाते हैं जो हमारे से पूछे ही नहीं जाते, और उन सवालों के सही जवाब भी हमारे पास नहीं आते।
और फिर भी हम उन यादों को याद करने लगते हैं जो हमने सालों तक और दसियों सालों तक उनके बारे में कभी जानकारी नहीं ली, उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा और हम ऐसा सोच रहे हैं कि वो तो किसी और की जिम्मेदारी थी, हमारे जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए ये इसका एक कारण होता है कि हमें समझ लग जाती है एक सुखांतर और संपूर्ण सोच की, जो संपूर्ण सोच एक स्वत एक अनखी और इखलाक वाले व्यक्ति की होनी चाहिए वो कैसी होती है। हम सुन सुन कर उसके ऊपर अमल ना कर कर लोगों द्वारा कहे जाने से थोड़े से प्रभावित होते हैं, लेकिन हमारी अपनी स्वतंत्र सोच वो ना तो ऊंची हो रही है और ना ही उसके ऊपर हम खुद अमल करना चाह रहे हैं। इस तरह हमारी सोच और हमारे तजर्बे वो एक जैसे नहीं बनते। जैसा एक गाड़ी को दो बैल खींच रहे हैं, अगर दो बैल यूनिफाई होकर एक दिशा में इकट्ठे बल नहीं लगाएंगे, इकट्ठी जो हिम्मत के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारी गाड़ी जो है वो मंजिल की ओर नहीं जाएगी।